आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर श्रोमणी अकाली दल का पैदल मार्च शुरू हो गया है। बता दें कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है और ऐसे में श्रोमणी अकाली दल की तरफ से पैदल मार्च किया जा रहा है विधानसभा तक। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से पैदल मार्च शुरू कर दिया गया है विधानसभा की तरफ। श्रोमणी अकाली दल के तमाम नेता कूच कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल का पैदल मार्च। बड़ी अपडेट आपको दे दें, 11 बजे से विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले श्रोमणी अकाली दल के नेता विधानसभा की ओर पैदल कूच कर रहे हैं। कृषि कानून, BSF और बिजली समझौते पर प्रस्ताव आज आ सकता है। इसके अलावा 36,000 कर्मचारियों को पक्का करने पर भी मोहर लगेगी। आज बता दें कि पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा और आखिरी दिन है। इसमें पंजाब सरकार केंद्रीय कृषि सुधार कानून रद्द करने का प्रस्ताव इसमें लेकर आएगी और साथ ही साथ यहां पर बता दें कि BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाने के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव इसमें लाया जाएगा। पंजाब सरकार इसके खिलाफ सर्वदलीय मीटिंग पहले बुला चुकी है और अब प्रस्ताव पास करके गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और इसी मुद्दे को लेकर ये विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल कुमार, आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी और दूसरा दिन है, उससे पहले 11 बजे की शुरुआत सत्र की होगी, लेकिन श्रोमणी अकाली दल की तरफ से पैदल कूच शुरू कर दिया गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद करीब 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और उससे पहले जो पंजाब MLA हॉस्टल है वहाँ से पैदल मार्च जो है अकाली दल के विधायकों की तरफ से किया गया। अकाली दल के अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फिलहाल कुछ दूरी पर विधानसभा से चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग करके सभी विधायकों को और अकाली दल के जो नेता हैं उन्हें रोक लिया गया है। आगे जाने की अनुमति चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च जो है अकाली दल के विधायकों की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन यहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है पुलिस की तरफ से, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर अकाली दल की तरफ से ये पैदल मार्च किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर पैदल मार्च है, नारेबाजी की जा रही है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन में भी किस तरीके से हंगामा जो है वो इन सभी मुद्दों को लेकर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर किसानों की खुदकुशी का मामला, DAP खाद की जिस तरीके से कमी हो रही है, वजीफे दिए जाएं ये मांग की जा रही है, तमाम मुद्दे जो हैं अभी मौजूदा मुद्दे उनको लेकर ये मार्च जो है पैदल मार्च वो किया जा रहा है। और अकाली दल के विधायकों की तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि आज जो सत्र है इस सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लगाने की अनुमति जो है वो अकाली दल के विधायकों को दी जानी चाहिए। यानी सरकार जिन मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से ये सत्र जो बुलाया गया है उन मुद्दों के अलावा भी ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनको लेकर जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो विधायक देकर अपनी बात जो है वो रख सकें। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब आगे बढ़ने लगे हैं अकाली दल के जो विधायक हैं और पुलिस की तरफ से, क्योंकि पहले बैरिकेटिंग की गई है तो यहाँ पर अब टकराव की स्थिति जो है वो नज़र आ सकती है। वाटर कैनन की जो गाड़ी है यहाँ पर खड़ी है और देखना ये होगा कि किस तरीके से अब बात जो है वो बनती है, क्योंकि पुलिस की तरफ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बैरिकेटिंग की गई है, अकाली दल के जो विधायक हैं अब वो आगे बढ़े हैं और पुलिस और अकाली दल के जो नेता हैं वो अब आमने सामने हैं, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से टकराव जो है उसे रोकने के लिए पुलिस की तरफ से प्रयास रहते हैं और अकाली दल के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से अब आगे किस तरीके की रणनीति जो है वो यहाँ पर रहती है। जी, अगर बात की जाए तो तमाम मुद्दे हैं, खासतौर पर BSF का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था उस पर चर्चा को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है, तो इस पर अकाली दल क्या कह रहा है, क्योंकि आपने तमाम मुद्दे बताए एक अकाली दल की तरफ से जिनको लेकर ये विरोध किया जा रहा है, पैदल कूच किया जा रहा है, क्या अधिकार क्षेत्र को लेकर अकाली का क्या स्टैंड है? देखिए
अकाली दल की तरफ से जिस तरीके से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है उस मुद्दे को लेकर आज प्रसाद विधानसभा में रखा जाएगा, लेकिन अकाली दल की तरफ से पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर एक प्रस्ताव लाकर क्या होगा, प्रस्ताव यहां से पास करवाया जाएगा चर्चा के बाद विधानसभा की तरफ से और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, प्रस्ताव के कोई मायने नहीं है ये सवाल उठाए जा रहे विधायकों की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि कोई कड़ा कदम जो है वो पंजाब सरकार को यहाँ पर उठाना चाहिए, कोई बिल जो है वो इसको लेकर लाया जाना चाहिए विधानसभा में, और ये मांग जो है वो आज सदन में जब चर्चा होगी तो उठाई जा सकती है अकाली दल के विधायकों की तरफ से। पहले दिन केवल श्रद्धांजलि थी, शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया गया था सत्र को, सदन की कार्रवाई को आज के लिए, और आज जब 11 बजे से सदन की कार्रवाई फिर शुरू होगी तो फिर हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने को लेकर और कृषि कानूनों को लेकर, इन दो मुद्दों को लेकर अहम तौर पर ये सत्र बुलाया गया है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में तय किया गया था सभी पार्टियों के उसमें नुमाइंदे थे बीजेपी को छोड़कर, और वहाँ पर ये तय किया गया था कि अकाली एक सत्र बुलाया जाना चाहिए, विशेष सत्र विधानसभा का, और सर्वदलीय बैठक में जो तय हुआ उस बैठक के आधार पर ही जो सत्र है वो बुलाया गया। हालांकि दो दिन का एक गैप बीच में ज़रूर रहा, जो शोक प्रस्ताव के बाद पहले दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन आज जिस तरीके से कार्रवाई शुरू होगी सदन की तो यहाँ पर फिर जो तमाम विधायक हैं उनकी तरफ से मांग जो है वो की जा सकती है इन मुद्दों को लेकर भी, क्योंकि विधायक ये मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल अलग अलग मुद्दों को लेकर लगाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष ये है कि जिन मुद्दों को लेकर विधानसभा का ये सत्र बुलाया जा रहा है उन पर चर्चा जो है वो करवाई जा रही है, जबकि दूसरे जो मुद्दे हैं डीएपी खाद की बात है, किसानों की खुदकुशी की बात है, वजीफों की बात है, और नौकरियां जो है वो सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, इस तरीके के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी और अकाली दल की तरफ से बीजेपी की तरफ से भी आज सदन में विधायकों की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे। पूछना चाहूंगी कि इसमें आज जो सत्र बुलाया गया है 2013 में अकाली बीजेपी सरकार के बनाए पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को रद्द किया जाएगा, तो क्या इसको लेकर भी यहां पर अकाली विरोध जता रही है? जी बिल्कुल, देखना ये होगा कि क्या किस तरीके का स्टैंड जो है वो अकाली दल का इसमें रहता है। जब ये बिल सदन में लाया जाएगा, जब पेश किया जाएगा, तो उस समय अकाली दल का क्या स्टैंड रहता है, किस तरीके के सुझाव जो हैं वो अकाली दल की तरफ से दिए जाते हैं, क्या विरोध किया जाएगा, और जो अमेंडमेंट की बात की जा रही थी उस अमेंडमेंट पर किस तरीके से बात जो है वो अकाली दल के विधायकों की तरफ से सदन में रखी जाएगी, इसको लेकर भी हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिल सकता है जब सरकार की तरफ से इसे रद्द करने का जो एक्ट है। अनिल, अब फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति वहां पर है, क्या आगे बढ़ने की कोशिश अकाली दल कर रहा है या वहीं पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अगर आगे जाने नहीं दिया जा रहा पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आप देखिए यहां पर अकाली दल के जो विधायक हैं वो वापस लौट गए हैं, क्योंकि आगे जाने की अनुमति जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से नहीं दी गई, तो पंजाब एमएलए हॉस्टल जहां से ये पैदल मार्च शुरू किया गया था वहां पर तमाम विधायक वापस पंजाब एमएलए हॉस्टल की तरफ वापस जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग करके पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था। हालांकि बातचीत की गई यहाँ पर अकाली दल के विधायकों की तरफ से पुलिस के साथ, पुलिस के जो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ, जब आगे जाने की अनुमति नहीं मिली तो उसके बाद तमाम अकाली दल के जो विधायक हैं वो फिलहाल वापस लौट गए, लेकिन वापस लौटे हैं अभी अकाली दल के तमाम विधायक, लेकिन विधानसभा में ये हंगामा जो है वो तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि आज जो सत्र किया गया। जी, शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस के साथ बातचीत हुई अकाली नेताओं की उसके बाद अब यहाँ पर सहमति बनी तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अकाली दल के जो नेता हैं वो वापस चले गए, अब सीधा सत्र के अंदर तमाम जो मुद्दे उनके रहने वाले हैं उनको उठाएंगे। अनिल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
जी जी, यहाँ पर सब कुछ अब शांतिपूर्ण हो गया है, जो हालात बने हुए थे तनावपूर्ण, आगे बढ़ने की कोशिश जद्दोजहद में अकाली दल के नेता थे, अब आप जानकारी दे रहे, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं वहाँ से एक्सक्लूसिव कि वापस लौट गए हैं, जहाँ से शुरुआत था वहीं जा रहे हैं, तो अब स्थिति सामान्य है, अब सीधा सत्र के अंदर विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा वहाँ पर अकाली अपनी आवाज़ उठाएगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब स्थिति जो है वो सामान्य है, एक बैरिगेटिंग खोलना शुरू कर दिया गया है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, अभी इस रूट को डाइवर्ट किया गया था, हाईकोर्ट की तरफ से पूरे ट्रैफिक को भेजा जा रहा था विधानसभा की तरफ, और क्योंकि अभी बहुत कम समय रह गया है विधान सभा की कार्रवाई शुरू होने को लेकर, तो तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो अभी विधानसभा पहुंचने शुरू होंगे, और इसीलिए अब ये रूट जो है वो खोल दिया गया है और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि विधायक वापस जरूर चले गए हैं, लेकिन सभी अकाली दल के विधायक अभी वापस आएंगे, 11 बजे जो सत्र शुरू होगा उसमें हिस्सा लेंगे, और विधानसभा में भी इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर ये पैदल मार्च किया गया उस पर बात उठाते तमाम विधायक जो हैं अकाली दल के वो नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अनिल, नजर बनाए रखिए, आगे इस पर और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के जो तमाम नेता पहुंचे हुए थे और विधानसभा की ओर की तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि आज वापस लौट गए हैं और अब 11 बजे विशेष सत्र शुरू होगा, तो उसके लिए यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, और यहाँ पर मुख्य मुद्दा विधानसभा के अंदर आज जो उठेगा वो ये कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जो बढ़ा दिया गया है उसको लेकर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा तमाम कई और मुद्दे हैं जिन पर आज विधानसभा के अंदर बहस, चर्चा हो सकती है, हंगामा हो सकता है। तो पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज 11 बजे शुरू होने वाला है, और ऐसे में आखिरी दिन ये रहेगा, कृषि सुधार कानून रद्द करने का प्रस्ताव इसमें लाया जाएगा, और अकाली दल का विधानसभा जो पैदल मार्च चल रहा था वो खत्म हो चुका है। पुलिस ने विधानसभा के चौक पर बैरिकेटिंग की थी, अकाली दल के नेताओं को वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद अकाली के नेताओं ने वहीं बैठकर कुछ देर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और उसके बाद वापस लौट गए वहां से। आगे जाने की इजाजत उनको नहीं दी गई, कुछ देर प्रदर्शन करने के बाद तमाम अकाली के नेता वापस लौट गए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ये रहने वाला है आज की 2013 में अकाली बीजेपी सरकार ने जो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाया था उसको रद्द किया जाएगा, तो इस पर क्या स्टैंड अकाली का रहेगा सदन के अंदर ये देखना होगा। इसके अलावा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को जो 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाने के खिलाफ यहाँ पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर चर्चा होगी, हालांकि इस पर सर्वदलीय बैठक पहले ही हो चुकी है, लेकिन आज प्रस्ताव पास करके गवर्नर के जरिए इसको राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और इसी मुद्दे को लेकर खास तौर पर ये सेशन बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे थे तस्वीरों में अकाली दल की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें कई और मांगे यहाँ पर अकाली दल की तरफ से की जा रही है, कई और मुद्दे अकाली दल यहाँ पर उठा रहा है, जैसे कि डीएपी खाद की कमी जो यहाँ पर प्रदेश में किसानों को हो रही है वो मुद्दा अकाली दल की तरफ से सदन के अंदर उठाया जाएगा। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर और साथ ही साथ कई मुद्दे यहां पर तमाम दलों की तरफ से उठाए जाएंगे, तो हंगामे के पूरे पूरे आसार यहां पर बताए जा रहे हैं। पहले दिन केवल शोक प्रस्ताव रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई दिवंगतों को, उसके बाद 2 दिन का गैप रहा, और आज दूसरा और आखिरी दिन है विधानसभा के विशेष सत्र का। उससे पहले अकाली दल की तरफ से प्रदर्शन किया गया।